सर्विस करने वाले भी सर्विस छोड़ के जाते हैं तो उनका एक्ट हमें देख कर हमें कंफ्यूज होते हैं। बेकार लोग, अच्छे से सर्विस करने वाले कौन और उनकी अच्छी सर्विस का प्रूफ क्या आया? तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं, कोई ऐसे सर्विस छोड़ के जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, सर्विस का प्रूफ भी तो कुछ होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और धमचक्कर का पुलिस ज्यादा हो तो हार्ट कमजोर होता है, तभी हार्ट फेल होता है। क्या हार्ट की बीमारी तो पहले से थी? ऐसे ऐसे पॉइंट्स को पकड़ करके कंफ्यूज हो करके ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, कौन कह रहा है? कोई हमारे दूसरे कहते होंगे ना, तो यहाँ आकर के हमें बाप के सिखे बच्चे होंगे, जो बाप के सिखे बच्चे होंगे वो तो ज्यादा सर्विस करेंगे, और जो ज्यादा सर्विस करेंगे उनको बाप खुद बैठ करके याद करेगा। बाप खुद याद करेगा तो बाप की उनको पावर मिलेगी या दूसरे को भी पावर मिलेगी? बाप की पावर अचानक बैठे बैठे एकदम काम करते करते कहीं छूट जाना, ऐसे जैसे ब्रह्मा बाबा की मौत हो गई, ऐसे मौत हो गई? ब्रह्मा बाबा तो अच्छी सर्विस अच्छा किया, तो रिजल्ट क्या निकला? अच्छी सर्विस का रिजल्ट भी तो यहाँ निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? क्या निकलना चाहिए? नरसिंह नारायण बनना चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए बना, वो सर्विस बहुत अच्छी करें, जैसे कि पांडव भवन या माउंट आबू में वो कौन भाई है, सूरज भाई, बहुत अच्छी सर्विस करता है, सारा ज्ञान सुनाता है, बाप को छुपा देता है,
बाप को गुप्त कर दिया है और अपने को नॉलेज के आधार पर वाहवाही ले ली, तो सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? डिस्टर्विस हुई, जैसे डिस्टर्विस होगी। ब्रह्मा बाबा ने भी जिसने ज्ञान दिया उसका नाम कभी रखा ब्रह्म कुमारी विद्यालय नाम क्यों रखा? प्रजापिता नाम क्यों नहीं रखा? ये बाप को गुप्त कर देना, ये क्या सर्विस हुई? सारा ज्ञान कोई दे दे और बाप को गुप्त कर दे, तो डिस्टर्विस हो गई, सर्विस हुई? डिस्टर्विस हो गई। और जिस तरह का ये बल हुआ कि जीवन में रहते रहते उन्हें सुस्थिति नहीं हो पाई, सारा तन लगाया, सारे संबंधी लगाए, सारा धन लगाया, मन भी जितना था वो भी लगाया, लेकिन फिर प्राप्ति प्राप्ति जीवन में नहीं हुई। तो मुख्य बात तो है बाप को प्रत्यक्ष करना। हमारी दुनिया तो बाप को याद करते हैं, बाप को सेवा करने बच्चों को याद करते हैं। जो सेवा करने वाले होते हैं तो हमको बाप की याद से बल मिलेगा, ऐसे समझ करके सेवा करेंगे, इससे फायदा होता है उसका। नहीं है, बाप की याद में जो ताकत है वो बच्चों की याद में ताकत थोड़ी है। बाप बेविचारी याद करेगा या बेविचारी याद करेगा? तो बाप की याद में ज्यादा पावर। बाप जिस समय जिस बच्चे को याद करेगा वो अभिविचारी याद होगी या बेविचारी याद होगी? अभिविचारी याद होगी तो कितनी पावर होगी। बच्चे तो द्वापर से लेकर के कितने बेविचारी बने, आदत तो पड़ी हुई है, एक सेकंड भी बुद्धि एक जगह नहीं रहती। पुरुषार्थ करेंगे तो भी निरोधन काया नहीं होगी, उन्हीं की तो होगी। जीवन जीवन पुरुषार्थ हुआ तो निरोधन काया कैसे होगी? के आधार पर कोई तरकीब नहीं हो जाता है। कोई भी कन्याएं हैं व्यक्ति में सरेंडर होती है, धन के आधार पर सबसे हो जाती है क्या? धन उनके माँ बाप ने दिया या कन्या ने दिया? माँ बाप ने दिया, माँ बाप को बाप बने। वो भी देने के बाद से कहीं अगर वापस ले लें तो क्या होगा? दुनिया की नजर लगी आ जाएगा, दिया 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 बहुत दिया, अगर वापस ले लिया तो कौन सा मतलब होता है? रुपया बनाया पता वो भी नीचे चला गया। सुनिए, ये सब बताया नहीं जाता है किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम तो जनरल बात बताइए। कोई एक माताएं घोड़ी चल रही है, साथ साथ में भाई भी तो चल रहे हैं क्या? अकेली माताएं चलती हैं क्या? क्या आप सब जगह सुब्बाराव थोड़े ही है सरोजनी माता के साथ है कि जैसे चलाएंगे मेरे सुब्बाराव भाई चल पड़ेंगे, ऐसे है क्या? नहीं, चावल ये भी लेते हैं ना, सनमान धन सब भी तैयार करते हैं, फिर भी तन को भी मन को भी अपने बाबा ने एक ही बार कह दिया, सब बातों का संत सुनी सुनाई बातों के भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। अब ब्रह्म कुमारी कितनी बातें करती है एडवांस पार्टी पर, सुनी सुनाई बातें हैं या प्रैक्टिकल उसका उसको निखार करके देखा गया? किसी ने प्रूफ प्रमाण दिया नहीं? जो सुना दिया अखबारों ने सुना दिया सुन दिया, टीवी ने सुना दिया दिखा दिया देख लिया, रेडियो ने सुना दिया दिखा दिया सुन लिया, फिर किसी ने जाकर के उसको देखा ये असली क्या है? अभी तो फाइनल विनाश होगा तो ढेर सारे मरेंगे। क्या कैसे मरेंगे? एक गुलामी के बाम सुन सुन करके मरेंगे,
या अभी हमारा अभी एडवांस पार्टी के जो भाई बहन है उनके बीच में ऐसा हो गया होगा। एडवांस पार्टी में कोई एक तरह की बीज रूपात में है, सारे सूर्यवंशी चंद्रवंशी है के और वंशों में भी है बीज, तो जो और वंशों के बीज होंगे वो तो ग्लानी करेंगे ना, ग्लानी करके एडवांस पार्टी को ही बड़ा ग्रंथन। फिर भी शक्ति की नैया जलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी। अभी तो पहले परीक्षाएं बाकी है, अभी तो छोटी मोटी परीक्षाएं हुई बातों को अभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो डायरेक्ट बात से पूछो, इतना ज्ञान सुनाने की बात भी बात के ऊपर निश्चय आ जाता है छोटी मोटी बात सुन कर भी। हाँ ऐसा ही हुआ होगा, ज्ञान खराब ही कर हो गया, सुन सुनाई बातें सच्ची हो गई। खास बात यह है भाषा की, भाषा प्रॉब्लम जो है बहुत ऊपर नीचे कर देती है। भाषा प्रॉब्लम में गुरुओं की बन जाती है, जो गुरु लोग होते हैं जो मनमानी क्या सुना दो, दूसरे वाले तो कुछ है ही नहीं, भाषा न जानने के बाद सारा उत्तम पट्टा हो जाता है। मुरली के पॉइंट ज्ञान के पॉइंट अच्छी तरह बुद्धि में बैठते नहीं, क्योंकि भाषा को जानते नहीं, इसलिए गुरु जैसा चाहते हैं वैसा होता लिमिटेशन कर देते हैं। మందిరాలున్నాయి కదా భక్తికి జ్ఞానానికి జ్ఞానం మందిరాలు తక్కువ కదా ఒకటి రెండు చోట్ల, కానీ పూజలైతే అనేక మందిరాలు దొరుకుతున్నాయి కదా, 1,000,000 माता सोच रहे हैं। अभी भारत में बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन तो ज्ञान सुनाने वाला मंदिर तो एक ही है, क्योंकि इतने क्यों इतने मंदिर हो गए? ये तो बोला है मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब खलास हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। मंदिर वाले बोलते ही गिरजाघर गुरुद्वारे चर्ची लगाने मस्जिद अन्य बोलते ही ओके मंदिर मिलू तुम जीवन एक ही मंदिर रह जाएगा ना, जितने भी गिरजाघर मंदिर ये गुरुद्वारे हैं मंदिर हैं मस्जिदें हैं सब खराब हो जाएंगे। बोलते हैं कि अभी क्यों नहीं होगा, वो तो ऐसे ही है जैसे पूरी तेल में घी में डाली जाती है, अच्छी तरह तेल गर्म हो जाएगा तो पूरी पकने के ऊपर फिर ऊपर आएगी। जब तक तेल अच्छी तरह गर्म नहीं होता है, ये ज्ञान का तेल है, याद का घृत है, ये घी जब तक गर्म ही नहीं होगा योगा की सीखी ही नहीं होगी तो पाप पर भस कैसे होंगे, हमारे पाप कर्म ही भस्म नहीं हुए भक्ति कैसे भस्म हो जाएगी। अभी भक्ति का जोर भी बढ़ता जा रहा है और फिर बच्चे जो हैं वो श्रीमत की बरगिला भी करते हैं तो सब गुना बोझ भी चढ़ता जाता है, नहीं चल रहा है। अभी याद ठंडा हो चुका है, याद हो चुका है ठंडी चीज कब होती है, वो चीज ठंडी कब होती है जो आग जली हुई है, आग भी बुझी हुई है और फिर जो पोशाक है वो भी ठंडा हुआ पड़ा है। बर्फीले मौसम है, बुद्धि जामी हुई पड़ी है, पोशाक कहाँ से होगा। तो थोड़े ही
अभी प्रसाद इसलिए नहीं हो रहा है कि सच्चाई क्या है ये सामने नहीं है, कहते हैं मुझसे बाबा आया हुआ है, थोड़ा सा कोई कुछ सुना देता है अरे बाबा ऐसे ही दुनिया चली आ रही है बाबा बड़ी बड़ी बस हो गया जिससे हो गया भगवान का गुण जिसके बुद्धि विजय के उस आदमी में विजय कब होगी जब जब निश्चय बुद्धि बने ये पक्का समझो जो बाप की ग्लानी करके सुनाते होंगे घर बैठने वाले होंगे मैदान छोड़ करके आकर के घर में बैठ रहे होंगे क्या कहा जो भी हो जो भी कोई भी प्रकार की ग्लानी करके सुनाते हैं मिक्स करके बात सुना देते हैं वो जरूर पोशाक से हारे हुए एक सिपाही होता है कि मरता रहता है प्राण निकलते रहते हैं तो भी लड़ाई लड़ता रहता है क्या और एक सिपाही ऐसे होते हैं कि देखे अरे सब हार रहे हैं बस लेट गए आराम से दो चार घंटे ऊपर डाल दिए मोटे बन के पड़ गए बोलो उनकी ठीक ही आज के लिए थोड़ा थोड़ा जिससे हम बताए हैं यही है संबंध सब तेरा ना संबंध ही कोई मेरा कहेंगे हमारा शरीर काम नहीं देता बाबा अगर कमाने में कहते हैं बोलने में कहते हैं माताओं को कम खलक जा रहे मेरी सूर्य सेवा के क्या घर में रहकर के इलाज होता है बाकी दुनिया में जाकर के इलाज नहीं होता बाबा घर में इलाज नहीं होता क्या नहीं होता है होता है कि नहीं होता है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा गुड़ नहीं डालेंगे मीठा नहीं होगा बूढ़ी बूढ़ी माताओं को पंख लग जाएंगी इसकी सेवा के हम तो बुढ़े बुढ़े हो रहे हैं जवान बच्चे तो हमारा क्या हाल होगा जवान बच्चे शरीर छोड़ के जाते हैं शरीर अगर उनके भक्ति की संस्कार मुरली बोला कि नहीं भक्ति की संस्कार होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ये सोना पहनना चांदी पहनना हार पहनना ये भक्ति की संस्कार नहीं है शरीर छोड़ना नहीं पड़ेगा बाबा कितनी मुरलियों में कह दिया है तुम्हें जेवर नहीं पहनना कान काट के ले जाएंगे अब दिखावा करने की आदत है क्रिश्चियनिटी की आदत है तो क्रिश्चियन के साथ नहीं जाना पड़ेगा क्रिश्चियन वाली आत्माएं वो फिर प्रवेश नहीं करेंगी ज्ञान की पॉइंट करना में बुद्धि में एवर रेडी रहना चाहिए नौजवान शरीर छोड़ते जा रहे हैं तो हम कहां बचेंगे अरे साथ साथ ये भी तो बोला है कि कौन सा शरीर छोड़ेंगे भक्ति मार्ग के संस्कार हो ना शरीर छोड़ना चाहे नौजवान हो चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो कोई भी हो ज्ञान में चलने वाले का अगर शरीर भक्ति मार्ग के संस्कार 100% कितने जो पहुंच गए तो वो तो छोड़ेगा अमरनाथ के बच्चे बने तो अमरनाथ के बच्चे तो आत्मा है आत्मा बन गए कि देवान आता है कि हम ये भी पहने कि वो भी पहने अच्छा लगे ये देवान है ये अमरनाथ के बच्चे हैं ऐसे ही अमरनाथ के बच्चे बन जाते हैं अमरनाथ के बच्चे पहाड़ पर जाके अमरनाथ के पास पलेंगे लेकिन दुनियादारी में रहेंगे
एडवांस पार्टी आने के बाद तो जिंदा रहना है ना। एडवांस पार्टी में भी तो दस तरह की धर्म की आत्माएं हैं, एक धर्म की है क्या? यहाँ तो दस धर्मों के छिलके चले हुए हैं, उनमें पास होने वाले, फुल पास होने वाले और इसी जीवन में रहते हुए अक्षर काया बनाने वाले जिसका शरीर नहीं छोड़ेगा वो सिर्फ सूर्य वंशी है, बाकी नौ वंश वाले तो शरीर छोड़ के ऐसे चले जाएंगे। चंद्रवंशी भी बचेंगे लेकिन वो बचेंगे जो अपने को फुल सरेंडर कर देंगे सूर्यवंशियों के सामने। अगर नहीं झुके हैं, झुकते नहीं हैं, तो उनको भी जोड़ना पड़ेगा। चंद्रवंशी राधा है, चंद्रवंशी राधा का सारा कुल है, पूरा झुकेगा तो ठीक है, चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाए, नहीं झुकेगा तो कौन सा वंशी रह जाए, चंद्रवंशी का चंद्रवंशी ही रह जाए, जोड़ना पड़ेगा। अरे तेलुगु बोल लो, నగలు ఏమైనా ఉంటే వేసుకోండి కానీ లేని వాడు వాటి గురించి ఆశపడకూడదు, ఇష్టంగా ఉండకూడదు, ఉంటే వేసుకుంటే అనిపిస్తుంది ఏంటి सब नहीं पहनते हैं तो बाहर वाले पूछेंगे ना आप क्यों नहीं पहनते, उनके सामने पहनते हो, यहाँ आकर के पहन के बैठने की क्या जरूरत है? कावल ना कलेसकोंडे कूचोंडे हाँ, ब्राह्मणों की सभा में जाकर के बैठ के वहाँ पहनने की क्या जरूरत है? सेंटर में बैठ करके पहनने की क्या जरूरत है? उनको पहनने की क्या जरूरत? ब्रह्म कुमार रहते वाले तो अवसर लेते ना, उनको कोई है दुनिया वाले कहेंगे तुमने क्यों नहीं पहने? सरपंच वाले और लड्डू सारा वाले जो लोग भस्म होने वाला है उस लोग की लाल का बहुत ध्यान रहता है, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, वो सब खत्म होने वाले हैं। और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है तीसरी आंखें दिखाई पड़ रही है कि अब ये नई दुनिया आने वाली है, वहां ये गहने आने पहने की तो कोई जरूरत नहीं होगी। लक्ष्मीनारायण जो गहने दिखाए हैं वो द्रविगुणों के गहने हैं, ये स्कूल गहने नहीं है। तो नई दुनिया की लोग लाल का ध्यान नहीं रहता है, और जो दुनिया सामने खड़ी हुई है उसका ध्यान नहीं, और जो दुनिया भस्म होने वाली है पता नहीं कब भस्म होना शुरू हो जाए उसका ध्यान इतना ज्यादा है। अरे ये महाभारत युद्ध तो करना पड़ेगा सबको, ये सत्य असत्य का युद्ध है, इसमें से सभी को पसार होना पड़ेगा। गेटवे टू हेवन इज महाभारत, महाभारी महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर कोई को भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। कोई कहे हम झूठ की नैया में भी पांव रखे रहे हैं और हम स्वर्ग में भी चले जाए, हो नहीं सके। अरे हमारे कुल का होगा वो तो थोड़ी सी बात सुन करके ही हमारी तरफ से चल चला आएगा, उसकी बातें मानते रहना, उसके पीछे पीछे चलते रहना, उसको खुश करते रहना, वो मानने वाला नहीं है। घर परिवार के होंगे ज्यादा ज्यादा प्रजावर्ग के बन जाएंगे, और राजा महाराजा तो बनते बनने से रहे जब इतना विरोध कर रहे हैं। और जो ऊंचा पद पाने वाले हैं उनके लिए तो बाबा ने बोल दिया है, एकदम सीधा सीधा बोल दिया है,
या उसके संबंध में उन्हें न कुछ पूछना है और न उनकी बस पर चलना है। जो राजा होता है उसकी सुनता है क्या? राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्मा वो किसी के डायरेक्शन पे चलेगी क्या? वो अधिकारी होगी या किसी के अधीन होगी? यहाँ दिखाई पड़ेगा कोई लौकिक संबंधियों के अधीन नहीं। अधीन माना ही प्रजा, अधिकारी माने ही राजा। अपने अंदर झांक के देखना, अभी ईश्वरीय नियमों पर हम चलने के कितने अधिकारी बने। एक हफ्ते के पहले ही एक ब्रह्म कुमारी यहाँ आई थी, क्यों चले ना करेंगे जवाब हो। अर्जुन जैसे ग्रस्तियों को भगवान मिलता है, अर्जुन जैसे ग्रस्ती भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं, अर्जुन जैसे ग्रस्ती भगवान का कर्मदारी लेते हैं, यह सन्यासी द्रोणाचार्य और विषम पितामह और कृपाचार्य है, ये भगवान की कर्मदारी लेते हैं, वो भगवान को प्रोटेक्ट करते हैं। अरे वो तो फंस गए हैं, निकल नहीं सकते, अपनी कमजोरी को जानते हैं, इसलिए उनकी बातें करके रस्सी माता को कमजोर करने के लिए बाबा ने उसे कहा क्या? लग लगे अच्छे अच्छे भीख मांग मांग करके अच्छे कपड़े पहनो, भीख मांगने से बनना वाला अच्छा, भीख मांग मांग करके तुम बढ़िया बढ़िया मकान बना के बैठ जाओ, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, हजार हजार रुपए की साड़ी हो जाना अच्छा। पाँच हजार देंगे तो त्रेता में आएंगे, 3,000 देंगे तो त्रेता में आएंगे, 7,000 देंगे तो सत्य में सब मिलाते ये कौन सी भगवान कौन बताया?
कोई बात अंदर अटकती है तो खुल के पूछना चाहिए మనసులో ఏదైనా ఇబ్బంది పాయింట్స్ ఉంటాయంటే అడగండి, తెలుగు అడగండి. కానీ హిందీలో చూస్తాము ఏదైపోతే మనసులో ఏ బాధలు పెట్టుకోవాలండి, ఎవరు పెట్టుకోవాలి అడిగేయండి. అది బాబా ఏదైతే బాగుంది మీరు అని పక్కన చెప్పండి. బాబా బురా మాన్ మనం అడిగితే బాబా తప్పు అనుకుంటారు అనుకోవద్దు, అడగండి. హిందీ వాళ్ళు పుష్కరం తప్పు हिंदी जानने वाले बात से बात भी करते हैं, पुरस्कार तो कम करते हैं. ऐसा कुछ जरूरी नहीं, जो हिंदी नहीं जानते नहीं जानने वाले वो भी अच्छा पुरस्कार करते हैं और बाबा से प्यार भी करते हैं. और हिंदी जानने वाले भी ऐसे हैं कि जो बाबा से प्यार भी नहीं करते, पुरस्कार भी अच्छा नहीं. देखो उत्तर भारत हिंदी जानने वाला सारा नॉर्थ इंडिया हिंदी बहुत अच्छी जानता है, शास्त्रों के अच्छे जानकार हैं, लेकिन बाबा को पहचानते थे पहचानने की इच्छा भी करते. హిందీ తెలియనంత మాత్రాన పుష్కరంలో తెలియని ఎవరు అర్థం బాగానే ఉంటుంది, తండ్రికి తెలిసి ఉంటుంది. హిందీ తెలియనంత మాత్రం తండ్రి గుర్తిస్తానని లేదు, తండ్రి మాట వింటానని లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళు చాలా శాస్త్రాలు చదివి ఉన్నారు, హిందీ బాగా తెలుసు అయినప్పటికీ వాళ్ళని పుష్కరం చేస్తున్నారా? కాబట్టి అలా లేదు, ప్రశాంతం చేయడం ముఖ్యం, కానీ భాష కాదు భావం బాగుంది. ऐसा कोई बात नहीं, जिसको इस जन्म में हिंदी नहीं आता पिछले जन्म में, ये गारंटी है कि वो पिछले जन्म में हिंदी जानने वाले पटेल तो पैदा नहीं हुआ. जन्म में तेलुगु मात्र वे हिंदी रे कोई जन्म में हिंदी रहा अर्थवा కాదా? కాబట్టి బాబా ఇంక మొదలు మీరు చెప్పుకున్నారు విషయం, మీరు సేవ చేయడం కోసం అక్కడికి వెళ్ళారు తప్ప ముందు జన్మలో మీరు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నారు, ఢిల్లీలోనే ఉన్నారు. ఆత్మా స్వదేశీ విదేశీ హోతీ హై యా శరీర్ స్వదేశీ విదేశీ హోతా హై? आत्मा स्वदेशी विदेशी, शरीर विदेशी हो सकता है. ये शरीर ने दक्षिण भारत में जन्म लिया तो भाषा नहीं जानता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि जितने दक्षिण भारत में जन्म लिया भाषा नहीं जानता है, विदेशी भाषा जैसी हो गई तो वो पूर्व जन्मों में भी उत्तर भारत में कभी जन्म नहीं लिया होगा, लिया होगा. ये कोई जरूरी नहीं है. कोई ने त्रापी जन्म नॉर्थ इंडिया में जन्म लिया, हिंदी भाषा भाषी रहा, और कोई हिसाब किताब ऐसा बन गया कि आखिरी जन्म यहाँ लेना पड़ा, तो क्या भगवान का प्यारा नहीं हो सकता? अरवे मूड जन्म हिंदी देश जन्म तीसरी जन्म इन जन्म तीस
అట్లనే తండ్రి పిల్లవాడు కాకుండా పోతున్నాడా, తండ్రి కప్పు తీసుకోకుండా పోతాడా? కాబట్టి తప్పకుండా తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఇన్ని రాని వాళ్ళు మా బతి బతికించానా అని ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. తండ్రిని గుర్తించి తండ్రి పట్ల ప్రీతి ఉంటే చాలు, తప్పకుండా రాజ్యంలోకి వస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళని వాళ్ళు ఈ విధంగా చింత పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మా ఇన్ని రాదు మా బతికించాలని భావన ఫైలానా. कि जो दक्षिण भारत में जो जन्म लिए हुए हैं, दक्षिण भारत में जन्म लेकर के ज्ञान में चल रहे हैं, एडवांस में चल रहे हैं, वो सब विदेशी हैं, वो एक तरह की गलत धारणा फैलाना है. क्या विदेशी आत्मा नहीं होती है? विदेशी शरीर होता है और शरीर आज इस जन्म में है, अगले जन्म में नहीं रहेगा. इस जन्म में ये शरीर विदेशी है, दक्षिण भारत का है. पिछले जन्म में कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्म दक्षिण भारत का ही हमको जन्म मिला था. भारत विदेशों दक्षिण भारत देश अच्छे दक्षिण भारत दक्षिण भारत देश मन इन जन्म दीकों शरीर वाने मुझे जन्म उत्तर प्रदेश में ना पक्के अलाने पने लगे मुझे जन्म का తప్పకుండా మనకి ఆ ప్రాప్తి జరుగుతుంది. కాబట్టి భాష గురించి కాదు, ముందు నిశ్చయం గురించి ముందు చూడాలి. ఏ విధంగా ఎవరైనా సరే హిందీ భాష రాదని మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే చేస్తున్నారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. इसका मतलब ये थोड़े कि बच्चा बड़े होकर के भाषा नहीं सीख सकता है. अरे आप यहाँ है, अभी बंधन में है, माता है नहीं सीख पा रही, बंधन में छूटी, अभी बाबा के पास पहुँच जाएंगी तो नहीं सीखेंगी. जो बाबा के पास पहुंची हुई माताएं हैं दक्षिण भारत की, वो हिंदी नहीं बोल रही, मेहमू विदेशी आत्मा कदा अरे भावना ये भावना फैलाने वाले बेअभिमानी सामे हैं. ये भावना फैलाते हैं, ये विदेशी आत्माएं हैं, वो भाषा नहीं जानती. हम सब विदेशी हैं और जो भाषा जानते हैं हिंदी भाषा वो ही स्वदेशी. हम कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा जानने वाले हैं बाप को नहीं जानते और बाप की मत पर चल भी नहीं रहे हैं और सारी विदेशियों की सारी परंपराएं अपना के बैठे हुए हैं जिंदगी में, वो विदेशी. भगवान ने अभी 4-10-15 साल से कुकर चलाया घर में बैठे, ऊपर में दाल चावल आलू भर दो, एक बर्तन में दाल, एक बर्तन में चावल, एक बर्तन में आलू और सब्जी खाना हो तो एक बर्तन में सब्जी काट काट कर रख दो, चारों चीजों को रख दो और आग में चढ़ा दो. वो भी जला दिया है क्या गैस, लकड़िया भी नहीं जलानी पड़ती, गैस के ऊपर रख दो 10-15 मिनट खड़े रहते और कार के नीचे रख दो ठंडा होने दो आराम. जब ठंडा हो जाए 10 मिनट में खाना तैयार, कुछ भी करना नहीं पड़ता. और बाबा ने बताया कि सबसे अच्छा भोजन है दाल चावल आलू. क्या हो क्या तुम्हें कुकर ఉంది, బియ్యం పెట్టండి, కూరగాయ పప్పు పెట్టండి, దాంట్లో ఉల్లిగడ్డ పెట్టండి, కావాలంటే కూరగాయ తిరిగేసుకోండి, 10 నిమిషాలు గ్యాస్ మీద పెట్టండి, కుడికి పోతే తినండి. సాదా భోజనం పెట్టాలి.
याद नहीं ना कि मैं क्या की रहा था, क्या कुछ भी याद नहीं। इसके नहीं लग गैस दे आप उठाओ, किसके घर में गैस नहीं है बोलना तो हुआ काटे। अच्छा नहीं नहीं आप उठाओ, किसके किसके घर में गैस नहीं है, सबके घर में गैस है, आप खाली बच्चों को दे तब की तब देगी जाएगी। तब बाबा का घर होगा माउंट आबू, माउंट आबू वहाँ गैस नहीं मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बाबा ने कहा कि लास्ट को फर्स्ट में जाके बोलते कि
बाबा एक ये बात ये पता है कि जो आखिर में आने वाले पाई पत्ते आखिर में आने वाले पाई पत्ते की प्राप्ति पद पाते हो के आठ में आने वाले आखिर आने वाले लास्ट में आने वाले लास्ट में आने वाले ये भी बताया बाबा ने लास्ट माने त्रेता के अंत में और यहाँ लास्ट है संगम युग का जब अंतिम पार्ट होगा संगम युग जब समाप्त होगा 100 साल का संगम है जब समाप्त होगा उस समय की बात ऐसे नहीं जो आठ का पार्ट खुलेगा उसके साथ ही वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे त्रेता की अंतिम पीढ़ियों में आते नहीं तेलुगु भाषा बोल दो गाय की पूजा करते हैं मुख की पूजा नहीं करते गाय की पूजा तो मुख की भी करते हैं टीका लगाते हैं लेकिन गाय की पूछ पकड़ करके विषय सागर को त्रास करते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में खास करके कलकत्ते में उनके है दे अभिमानी की पूछ गाय की जो पूछ है वो और जानवरों की दे अभिमानी की पूछ के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ है ये गाय को गुरु मान करके उसका पीछा पकड़ते हैं और क्रास हो जाते हैं ये बोला है माता गुरु बनाए बिगड़ उद्धार कोई का हो न सके एक के पतित बनने से साफ पतित बन जाते हैं और एक के पावन बनने से साफ पावन बन जाते हैं वो एक कौन है ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया फिर प्रैक्टिकल में कोई है या नहीं है कौन है जगदम्बा जगदम्बा का जो दे अभिमान रूपी पूंछ है वो पूंछ को फॉलो करना पड़े अगर विषय वैतरणी नदी क्रॉस करनी है कोई पुरुष को गुरु बनाने की भूल नहीं करना संगम युग में उसको गुरु बनाना पड़े जो माताओं में सबसे बड़ी माता है जिस माता की सब ने दुर्गति की है तो माता की सदगति होगी सब की सदगति हो जाएगी एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते दिल्ली कब्रिस्तान बनती है दिल्ली ही परिस्तान बनती है पवित्र की पूजा नहीं की जाती शब्द से ही साबित होता है बे अभिमान है और जे अभिमान है तब ही कंट्रोल होता है नहीं तो जिसमें दे अभिमान नहीं उसमें कंट्रोल करने की भी दरकार नहीं सतयुग में लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है या छत्र छाया के नीचे दिखाया है माना कंट्रोल कर रहे हैं या ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है नहीं अनुशासन वहां टूटता ही नहीं कहां
इसमें कोई अनुशासन ही नहीं होता, ये शासन किसके ऊपर करेंगे? रेता में जब दो कलाएं कम हो जाती है तब शासन करने की दरकार पड़ती है। जगदम्बा सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? सूर्यवंश में शासन करने की दरकार है या चंद्रवंश में दरकार शुरू होती है? चंद्रवंश में दो कलाएं कम होती है। ये कहा जाता है राज करेगा काल पर, और सिखों में ही कहते जरूर सिख धर्म की कोई आत्मा है जो अंत में सारी ही ब्राह्मणों की दुनिया को कंट्रोल करेगी। क्यों? भगवान आकर के ऐसा परिवर्तन कराते, माता को सब ने कंट्रोल किया है, बच्ची के रूप में पैदा होती है तो बाप कंट्रोल करता है, शादी होने के बाद पति कंट्रोल करता है, पति साथ 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 चला जाए तो बच्चे कंट्रोल करते हैं, माता कभी स्वतंत्र नहीं रह पाई कंजूर में। ऐसी पतन करने वाली माताओं की भी माता है जगदम्बा। तो जगदम्बा आकर के अंत में राज करती है। ये गायन चला आ रहा है, माता गुरु, ऐसी माता गुरु बगैर किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता। सुप्रीम स्वयं देश को आत्मा प्रवेश करता है, फिर तो सर्वव्यापी होना चाहिए। अरे वो एक व्यापी है या सर्वव्यापी है या एक तो आत्मव्यापी है? क्या है अभी तो ही कर दिया गुरु, सुप्रीम सोल नहीं प्रवेश करता है, सुप्रीम पार्ट बजाने वाला प्रवेश करता है। तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं, मैं सब में प्रवेश नहीं करता हूँ। जो धर्म पिताए हैं वो भी उच्च देवता में प्रवेश करते हैं या नीच देवता में प्रवेश करते हैं? सोल सिर्फ एक में प्रवेश करता है, बारह लिंगों में वो एक प्रवेश करता है जिसको कहते हैं महारुद्र। ग्यारह है सामान्य रुद्र। और मुकर रथ में प्रवेश करता हूँ, वो ये कह नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि मेरे अंदर क्यों बाप प्रवेश है। हाँ, बच्चों को उठाने के लिए कोई मैं प्रवेश करके दृष्टि देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाचा की ताकत देता हूँ, कोई मैं प्रवेश करके वाइब्रेशन की ताकत देता हूँ, बाकी कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर क्यों बाप प्रवेश है। अगर कहे तो बाप कहते हैं वो कौन है, है? बस बस नहीं करना करते। मुकर्रर रथधारी भी नहीं अपने मुख से कहे कि मेरे अंदर से वो बाप प्रवेश है। अगर कहे तो उसका दोष लगता है, हिरण्यकश्यप बनने का दोष लग जाता है। भगवान होगा तो भगवान को कहने की क्या दरकार कि मैं भगवान हूँ? और
जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, गर्भ से जन्म नहीं लेती, वो एक मुकर्रर रस में प्रवेश करता है बाप के रूप। अगर रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश करे तो 11 रुद्र मुख्य माने जाते हैं, 108 की रुद्रमाला भी मानी जाती है, और फिर बोला है 500-700 करोड़ भी रुद्रमाला के दाने। बड़े से बड़ी रुद्रमाला कितने की है? 500-700 करोड़। तो सभी प्रवेश करेगा क्या? और यहाँ बच्चों के आगे क्लास करने के लिए वाइब्रेशन का कंसेप्ट चाहिए ना बाप को आने के लिए। याद का वाइब्रेशन चाहिए तो फिर मुकर्रर हो जाने चाहिए। अभी याद में बैठ करके हम बुलाते हैं या बुला पाते हैं? कोई ने बुलाया? मैं बुलाने से नहीं आता हूँ, जब आना होता है हमको सही आ जाता हूँ। इन्हें ब्रह्मा से पूछो कि मैं कब आता हूँ, इसको पता पड़ता है? इनको भी पता नहीं पड़ता मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ। मेरे आने जाने की तिथि तारीख निश्चित हो ही नहीं सकती। ये भी एक बाप के पार्ट की पहचान है। अलंकार देह अभिमान होते अलंकार जो है वो गुण रत्नों की निशानी है। दिव्य गुण है वो ब्राह्मणों में टिकते हैं क्या? आज दिव्य गुणधारी दिखाई देते हैं और कल गुणहीन बन जाते हैं। आज निश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं, कल दो साल निश्चय बुद्धि दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों की अलंकार नहीं हो सकते। शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं, क्या साबित होता है? शंकर भी संपन्न स्टेज बनने से पहले, शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ने से पहले अधूरा पुरुषार्थी है या संपन्न पुरुषार्थी है? अधूरा याद में बैठा हुआ दिखाते हैं, इससे ही क्या साबित होता है? संपूर्ण है या अपूर्ण है? याद में बैठा है माने संपूर्ण है, नहीं तो याद करने की क्या दरकार? और ब्रह्मा को है दाढ़ी मूंछ वाला, ब्रह्मा को तो पावन देवता कहेंगे ही नहीं। तो यहाँ की यादगार दिखाई गई है कि जो विश्व बनने वाली आत्माएं हैं, विश्व में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, वो कालेपन में जब पार्ट बजाती हैं तो उनका यादगार दिखा दिया विश्व का काला रूप, कृष्ण का काला रूप, शिव का काला रूप, राम का काला रूप, सबको जगन्नाथ का काला रूप, श्रीनाथ का काला रूप, नाम रख दिया श्रीनाथ और चेहरा दिखाई दिया कलमोहन। रजो प्रधान स्टेज को जब हम प्राप्त करेंगे माने द्वापर युग की सीढ़ी की अंतिम स्टेज जब हम प्राप्त कर जाएंगे तो डिस्चार्ज होना ही बंद हो जाएगा। तो मनता के जो व्यर्थ संकल्प चलते वो भी बंद हो जाएंगे। कर्मेंद्रियां जो व्यर्थ कर्म करती है और कर्मेंद्रियों से जो क्षरण होता है शक्ति का
वो भी बंद हो जाए तो अभी तक अभी तक बेमान है ना, बेमान है तो अनुभव भी होता होगा। देवान तो हो रहे हैं हो रहे हैं है बोलते हो रहे लेकिन बाबा ने बोला है तो निश्चय बुद्धि होना चाहिए ना कि बाबा ने बोला है तो ऐसी भी स्टेज हमारी नंबर बार आवेगी आवेगी ना नहीं आवेगी कभी कभी नेगेटिव संकल्प चलाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। कभी कभी ये संकल्प आ रहा है कि आखिर में कब तक होना ये चाहिए कभी नहीं अभी अभी तक के पुरुषार्थी जीवन में भी तो बहुतों ने अनुभव किया होगा कि लंबे समय तक इंद्रिय जी से जैसी अनुभव स्टेज होती है भले थोड़े समय के लिए हुई हो लेकिन अनुभव सबको हुआ है थोड़ा या बहुत। अगर थोड़ा अनुभव हुआ है तो क्या लंबा नहीं बनाया जा सकता? थोड़ा अनुभव हुआ है तो उसे लंबा भी बनाया जा सकता है। माया या माया भी पुरुष या माया भी स्त्री या माया भी पदार्थ हमारा पीछा तब तक ही करेंगे जब तक उनके साथ हमारा हिसाब किताब जुड़ा हुआ है। उत्तरेसर जन्मों का हिसाब किताब हमने ही जोड़ा है वो हिसाब किताब पूरा होगा और उनके प्रभाव में आना हमारा बंद हो जाएगा। जरूर गंगा कोई चैतन्य होगी या कोई जड़ पानी की गंगा होगी प्रभाव किसका पड़ता है? प्रभाव चैतन्य का ज्यादा पड़ता है या जड़ वस्तु का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? जड़ का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन जड़त्व में ही शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी चैतन्य आत्मा है। और गंगा को चित्रों में चित्रित किया गया है शंकर के जटाओं में गंगा बैठी हुई है मुख दिखाया गया है इसका मतलब मुंडमाला का मनसा है रुद्रमाला का मनसा है कोई चैतन्य आत्मा है भले तन से पवित्र न रही हो लेकिन मन बुद्धि से मुंड ज्ञान की धारा बहाता रहा है मनन चिंतन मंथन में रहा है इसलिए गंगा को मुख ही मुख दिखाया जाता है। जैसे अष्टदेवों को आठ मणकों के रूप में शंकर के मस्तक के ऊपर रखा हुआ दिखाते हैं ऐसे ही गंगा को भी दिखाते हैं। तो गंगा की महिमा बहुत ज्यादा है जरूर बहुत सेवा की होगी ऐसे संत उन बच्चों को बाप बैठ किया और ये ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में न आज में इतनी प्रत्यक्ष होती है न मध्य में इतनी प्रत्यक्ष होती है अंत में जब निकलती है तो प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे सन्यासियों के लिए बोला है अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो गंगा के किनारे कौन बैठते हैं? सन्यासी लोग बैठते हैं वो तो सन्यासी है वो है सन्यासियों की भी अम्मा। सन्यास दृष्टि की विशेष प्योरिटी उसके अंदर रही होगी यमुना का पार्ट क्लियर हो गया में भी एडवांस में भी सरस्वती जगदम्बा का पार्ट डिक्लेयर हो गया अभी कहें हम तो हुआ
क्यों नहीं अंत हुआ? तो बोला है ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, जब वो सन्यासियों का ग्रुप निकलता है। उत्तर भारत के जो विद्वान पंडित आचार्य बड़े बड़े कुंभकर्ण हैं, वो भी जागने लग पड़ते हैं। दक्षिण भारत में चारों ओर लहर फैली है, जो भी फैली है, उत्तर भारत के कुंभकर्ण अभी भी सोए हुए। बोला होगा कि द्वापर युग कलयुग में ऐसे क्रूर राजाएं भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रानियों को अगर विचार करते हुए पकड़ लिया तो उनको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते थे, सर ऊपर खुला रहता था और दही डाल करके कुत्ते छोड़ देते थे और कुत्ते उनको नोच नोच करके खा जाते। उसकी शूटिंग कैसे होती? अभी तक तो ऐसी शूटिंग हुई नहीं, हुई है क्या? नहीं हुई, लेकिन आगे ऐसा टाइम आने वाला है विचार जो है वो देह अभिमान के कारण पलटता है कि बिना देह अभिमान के भी विचार पलटता है। जो रानियां इतने देहभान में आती है कि अपना देहभान उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो राजा को छोड़ करके और पुरुषों में आसक्त हो जाती है, तो उनको ये सजा मिलती है। अगर ये साबित हो जाए गड्ढे में अवनति के गड्ढे में गिरती है और गिरने के बाद मिट्टी से चारों ओर देह अभिमान की मिट्टी से इतनी परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है कि जो विचारी कुत्ते हैं वो नोच नोच के खा जाते हैं। दूसरे शब्दों में मुरली में भी बोला है जो गायें दूध नहीं देती माने दूसरी आत्माओं को, जो बाप कहते हैं सुख दो और सुख लो, जो गैया दूध नहीं देती है वो जानवर गऊओं की बात है संगम युग में या चैतन्य गऊओं की बात है, ह्यूमन गऊओं की बात है, ह्यूमन गऊओं की बात है। जो सुख रूपी दूध नहीं देती है दुख ही सुख देती रहती है, ऐसी देह अभिमानी गैयों को अंत में क्या असर होगा? इस कसाईयों को डाल दी जाएगी और कसाई उनको काट काट करके उनका देह अभिमान खाते रहे। कसाई माने गाय काटने वाले मुसलमान होते और कहाँ की बात। ऐसा टाइम आने वाला है सीताएं हो है ना, तो ये बात पुरुषों को भी लागू होते हैं। अभी जो कुछ करने हैं
उसका भी लागू होता है क्या इसमें? अभी पुरुषों को भी ये बात लागू होती है, तुम सब सीताएं हो, सब श्रीमती सीता से नीचे ऊपर होने वाली हो, कोई कम कोई ज्यादा। आपकी क्लास में व्यास और रामायण का लिंक बताया है बाबा ने, रामायण बाबा बताए व्यास कृष्ण को नहीं मिला है, तो व्यास कृष्ण तो क्लास में नहीं आए माना, तो क्लास लिखने वाला है विशेष, क्लास लिखने वाला जो विशेष शास्त्रकार है वो कौन है? व्यास ही है, जो द्वापर के आदि में महाभारत वेद आदि लिखने वाला था वही फिर द्वापर में मध्य में आकर के वाल्मीकि रामायण भी लिखता है रामवरियात्म, और वही कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में हिंदी में रामायण लिखता है। इससे साबित होता है कि व्यास वाली ही आत्मा ही राम बनती है, का व्यास का जन्म भी साबित होता है, वाल्मीकि का जन्म भी साबित होता है, और तुलसीदास का भी जन्म साबित होता है। स्वर्गीय संगठन का जो बनते हैं ना, स्वर्गीय संगठन का लक्ष्मी नारायण जो बने वाले हैं वही चैतन्य राम सीता बनेंगे, अकेले की बात नहीं है, सत्युग में जो भी जिस नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के त्रेता में राम सीता बनेगा। मान लो संगम युग का पहला लक्ष्मी नारायण है जी, नर से नारायण बाबा जी त्रेता की पहली गति में वो राम सीता बनेगा, वही आत्मा बनेगी, वही आत्मा ऐसे 21 जन्म वही आत्मा आएगी। 21 जन्म की बात नहीं है, त्रेता में तो जन्म ही 12 होते हैं, 12 और भारत में 9 जन्म होते हैं, 9 जन्म के लक्ष्मी नारायण है 9 डायनेस्टी में, वो त्रेता की 9 डायनेस्टी में राम सीता बनते हैं। बनते बाबा वो सब पहले जो युगल है जो युगल चक्कर हुआ है वही युगल युगल के रूप में 21 जन्म जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी, लौकिक दुनिया में बाप एक जन्म की सगाई कराते हैं और ये बेहद का बाप 21 जन्म की सगाई कराते हैं। 21 जन्म तुम प्यार के बंधन में ऐसे बंध करके रहेंगे जो कोई बीच में रावण टांग अड़ाए नहीं सके, इतना आकूत प्यार मिलता है। बाबा ने मुरली बोला है, मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, जो अव्यक्तवाणियों को ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा अव्यक्तवाणियां उनको अच्छी लगती हैं, उनको लिए क्या कहेंगे, उनको मुरलीधर से प्यार है या नहीं है? इसका जवाब है मुरली किसे कहा जाता है पहले ये पक्का करें, मुरली माना क्या है? जो बाप के डायरेक्ट मुख से बोली जाए वो मुरली, बाकी तो बाप की मुरली है, सुनने में अच्छी लगेगी सुनाने में अच्छी लगेगी लेकिन अर्थ उसका कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ सुन करके कहेंगे बड़ी अच्छी मुरलिया की तान बनी लेकिन समझ में तो कुछ भी आई नहीं, तो वो मुरली की बात नहीं है, लोग सिर्फ सुनते हैं सुनाते हैं लेकिन समझ भी नहीं पाते और दूसरों को समझाए भी नहीं पाते और फिर जीवन में धारणा करना तो दूर की बात रह गई। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, तो कौन सी मुरली की बात है? वही मुरली की बात है जो बाप बाप भी है और
टीचर भी है और सदगुरु भी है। क्या ब्रह्मा बाबा के तन से बाप टीचर सदगुरु कहे नहीं कहे। और अद्वैतवाणी की बात रही, अद्वैतवाणी भले ब्रह्मा के मुख से बोली जाती है, दादी गुलजार के मुख से ब्रह्मा की धुन बोलती है, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन होने के बाद वो मुरली है या बिना केवल क्लैरिफिकेशन के भी मुरली है? क्लैरिफिकेशन जब मिलता है तब कहेंगे मुरली, नहीं तो ऐसे भूत प्रेत होते हैं, किसी में प्रवेश करते हैं, अजब अजब तरीके से बोलते हैं, करके बोलेगा कोई जोर से बोलेगा, कोई वो से क्या आवाज से बोलता है, कोई कैसे बोलता है, माने उनकी आवाज ही निराली होती है। भगवान बाप तो व्यक्त भाषा में आकर के बोलता है, पति तन में आकर के बोलता है, गुलजार दादी के तन में पावन तन में आकर नहीं बोलता है, उसको मुरली नहीं कहेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी सुनेंगे तो बहुत नाराज होगा।